हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे इज 27 अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं 27 अक्टूबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपसे पूछा है, मिशन भागीरथा वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपका मिशन भागीरथा जो आपका एक इनिशिएटिव है जो हाल ही में न्यूज़ में है, वो आपके कौन से स्टेट को बिलोंग करता है या कौन से स्टेट ने आपका शुरू किया है। आपके ऑप्शन है कर्नाटका, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का, वो होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट ने हाल ही में आपका मिशन भागीरथा है या आपका एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, और इस इनिशिएटिव के तहत तेलंगाना गवर्नमेंट है वो आपकी प्रोवाइड कराएगी पाइप वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड इन दी कंट्री एंड ए स्टेट। ठीक फ्रेंड्स, जो आपका तेलंगाना सरकार है इस मिशन भागीरथा इनिशिएटिव के तहत हर घर के अंदर जो का पाइप वाटर जो का पाइप के थ्रू पानी पहुंचाने की बात करती है। और बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपका कृष्णा और गोदावरी रिवर को है जो आपका इंटरलिंक किया जाएगा, और इनके इंटरलिंक करने से जो आपका रिजर्वर बनेगा, उस रिजर्वर का यूज़ करके जो है आपका हर घर के अंदर जो का पाइप वाटर सप्लाई जो पहुँचाने की बात की गई है। और बात करें ऑप्शन ए की कर्नाटका, तो कर्नाटका की आपकी कैपिटल है बेंगलुरु, तेलंगाना की आपकी कैपिटल हैदराबाद, कैपिटल आंध्र प्रदेश की है वो है आपकी अमरावती, और महाराष्ट्र की कैपिटल आपकी मुंबई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको जो है आपको एक स्कीम दी गई है जो कि आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आपको दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपने मुझे बताना है इन दोनों में से आपकी कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर ए की बात करें, तो उसमें पूछा आपसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्टेटमेंट 2, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज ओनली बाय स्टेट इरिगेशन प्लान। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें जो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट होगी फ्रेंड्स, वो होगी आपकी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि ओनली 1, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये आपकी करेक्ट है। और बात करो सेकंड आपकी स्टेटमेंट की, तो ये आपकी फ्रेंड्स रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें जो है फ्रेंड्स आपका ओनली जो है स्टेट इरीगेशन प्लान के ऊपर फोकस नहीं किया गया। इसके तहत आपका जो है इस स्कीम के तहत आपका जिसके मोर ऑब्जेक्टिव जो है आपके इरिगेशन तो है ही है, लेकिन इसके अंदर आपका सेकंड जो आपका मोर मोटो वो आपका रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर एंड इंप्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है, आपके वाटर की वेस्टेज को कंट्रोल करना, और साथ में पर जो आपके ड्रॉप है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि वो आपका इफेक्टिव रिजल्ट दे। ठीक है, तो आपकी अगर बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो फ्रेंड्स ये आपकी एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट, जो आपकी 2015 में स्टार्ट हुई थी, और इसका जो मोटो था वो था आपका हर खेत को पानी पहुंचाने की। और ऑब्जेक्टिव की बात करें, मैंने इससे पहले भी आपका डिस्कस किया, ये जो आपकी इरिगेशन का एक आपका एक रिलेटेड आपकी स्कीम है, इसके साथ ही आपका रिड्यूस वाटर वेस्टेज ऑफ वाटर और आपकी इंप्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी के ऊपर भी काम करेगी। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो आज के लिए मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपने मुझे बताना है ये जो आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, क्योंकि कौन सी मिनिस्ट्री जो है इसको आपका इंप्लीमेंट कर रही है। अपने मुझे उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है, कौन सी मिनिस्ट्री जो आपकी PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को इंप्लीमेंट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा है विच कंट्री रिकॉर्डेड हाइएस्ट एयर पोल्यूशन एक्सपोजर ग्लोबली इन 2019 एज पर द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट। कौन सी कंट्री है फ्रेंड्स वहाँ पे आपका हाइएस्ट एयर पोल्यूशन जो आपका रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, आपकी रिसेंटली जो आपकी एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट का नाम है आपका स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट। और क्वेश्चन है चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया या फिर ऑप्शन डी सिंगापुर। तो थर्ड क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन सी यानी कि इंडिया। इंडिया में जो है फ्रेंड्स आपका 2019 में जो है आपका हाइएस्ट जो है पोल्यूशन जो आपका एयर पोल्यूशन जो आपका कंट्रोल किया गया। और बात करूँ स्कीम की, तो ये जो आपकी सॉरी फ्रेंड्स आपकी रिपोर्ट है, द रिपोर्ट इज स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020, इसे जो आपका रिलीज किया है वो किया गया बाय HEA यानी कि आपका हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट, इसने जो आपका इस रिपोर्ट का आपका रिलीज़ किया, और इसमें जो बताया आपका जो एयर पोल्यूशन है वो आपके इंडिया पे जो हाईएस्ट लेवल पे है, और ये जो आपका लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर बनता हमारा इंडिया में डेथ के लिए। ठीक फ्रेंड्स, अगर बात करूँ इसके की पॉइंट्स की, तो इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, ये जो आपकी टॉप 10 कंट्रीज हैं जो आपका जहाँ पे आपका हाईएस्ट जो आपका PM2.5 यानी कि पर्टिकुलर मैटर जो आपका 2.5 यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि इंडिया जो इसका जो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए की बात करें चाइना, चाइना की आपकी कैपिटल है बीजिंग, यूनाइटेड स्टेट की आपकी कैपिटल है वाशिंगटन DC, और सिंगापुर की कैपिटल आपकी सिंगापुर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा है विच स्टेट
has implemented smart blackboard scheme in 80,000 government school. कौन सी स्टेट ने हाल ही में आपका स्मार्ट ब्लैक बोर्ड जो आपका एक स्कीम शुरू की है जिसके तहत आपका 80,000 गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आपके स्मार्ट ब्लैक बोर्ड जो आपके स्टार्ट किए आपके जो है लगवाए. अब क्वेश्चन है ए तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला या ऑप्शन डी उड़ीसा. तो इस क्वेश्चन राइट आंसर का वो होगा ऑप्शन बी दैट इज योर तेलंगाना सॉरी आपका तमिलनाडु. तमिलनाडु जो आपकी स्टेट है उन्होंने हाल ही में आपके अपनी जो आपकी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे आपके 80,000 स्मार्ट ब्लैक बोर्ड तैयार किए हैं. अगर बात करूँ आपका स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम की तो इसके तहत जो फ्रेंड्स आपका इसकी जो एम है वो आपका यूजिंग द ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल इन दी स्कूल. ठीक है, और साथ ही इसका जो आपका एक और मोटिव वो आपका इंटीग्रेट करना आपके आपका एजुकेशन सिस्टम को या फिर आपके क्लासरूम को थ्रू डिजिटल और आपका ऑफलाइन. ठीक है, इफ ऑफलाइन ऑनलाइन के थ्रू से आपको बच्चों को स्टडी करवाना. और अगर इस ब्लैक बोर्ड विल क्रिएट मटेरियल दैट कैन फेड इनटू कंप्यूटर स्क्रीन यूजिंग पेन ड्राइव और इसके तहत जो आपका उस आपका जो अवेलेबल कोर्स है उसको आपको प्रोवाइड कराना थ्रू पेन ड्राइव ताकि स्टूडेंट जो है आपका घर जाके उसको थ्रू कंप्यूटर स्क्रीन पे भी अपना स्टडी कर सके. तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम है, इसके तहत जो आपका 80,000 आपके स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगाए गए हैं वो लगाए गए आपके तमिलनाडु स्टेट, यानी कि बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, जिससे पूछा है लो कॉस्ट कोविड 19 टेस्ट यूनिट कोविरैप विच वॉज अप्रूव्ड बाई ICMR वॉज डेवलप्ड बाई विच इंस्टीट्यूशन. आपका कोविड 19 के लिए कोविरैप जो है एक टेस्ट यूनिट बनाई गई है, यह आपको ICMR ने जिसे हाल ही में अप्रूव दिया जो आपका अप्रूवल जो है वो दे दिए, वो आपका कौन से इंस्टीट्यूशन ने तैयार की है. आपका ऑप्शन है IIT चेन्नई ने, IIT खड़गपुर ने, एम्स ने या फिर GPMER ने. तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि आपका IIT खड़गपुर. फ्रेंड्स आपका हाल ही में IIT खड़गपुर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ खड़गपुर ने वेडनेसडे को अनाउंस किया कि उन्होंने आपका कोविड 19 टेस्ट यूनिट कोविरैप जो आपका तैयार कर लिया है जिसको आपका ICMR ने मंजूरी दे दी है. तो आपका आज के लिए मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहा, आपने मुझे बताना है ICMR यानी कि ICMR जो है आपके इसके जो आपके चेयरमैन कौन है. ठीक है, आपके इंडियन काउंसलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च के आपके चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में. ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें आपसे पूछा है मोड यूनिवर्सिटी साहब का ये क्वेश्चन है हु वॉज द वॉइस रे ऑफ इंडिया वेन पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905. 1905 में जब आपका बंगाल का विभाजन हुआ उस वक्त आपके बंगाल के वॉइस रे कौन थे या इंडिया के वॉइस रे कौन थे. आपके क्वेश्चन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, आपका लॉर्ड लैंड लैंड आपका लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड कर्जन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन सी के लॉर्ड कर्जन. 1905 में जब आपका बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस वक्त जो आपके हमारे इंडिया के जो आपके वॉइस रे थे वो थे आपके लॉर्ड कर्जन. ठीक फ्रेंड्स, और बात करूँ आपके इस पार्टीशन के अंदर जो आपका इसके पार्टीशन का जो आपका मेन पर्पज था फ्रेंड्स वो था आपका टू सेटअप कॉम्युनल गल्फ बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक सांप्रदायिक भावना जो आपका तैयार करना. और फ्रेंड्स इस आपके विभाजन के तहत आपका जो उस वक्त का आपका बंगाल था उसको सेपरेट कर दिया गया था, असम को अलग से आपका सेपरेट किया गया था बंगाल विभाजन के तहत, और आपका रिमेनिंग जो पार्ट बचा उड़ीसा बिहार वगैरह उसको अलग कर दिया गया था. ठीक फ्रेंड्स, और बात करूँ ऑप्शन सी की, सॉरी सी इज़ द राइट आंसर. ऑप्शन डी की बात करो लॉर्ड डफरिन, तो लॉर्ड डफरिन के टाइम फ्रेंड्स आपका जो है कांग्रेस जो INC थी वो आपकी 1885 में सेटअप की गई थी. ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, जिसमें आपसे पूछा है द सिंबल बारा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट. सिंबल वाला आपका नेशनल पार्क आपके कौन से स्टेट में. आपके क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में या फिर झारखंड में. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो आपका सिंबल वाला आपका नेशनल पार्क है. बात करूँ मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश का सी एम है शिवराज सिंह चौहान, उड़ीसा के आपके सी एम है नवीन पटनायक, हिमाचल के आपके सी एम है श्री जयराम ठाकुर और झारखंड के आपके सी एम है हेमंत सोरेन. ठीक है, हेमंत सोरेन. फ्रेंड्स आज के लिए मेरा आपका तीसरा क्वेश्चन ये रहा, आपने मुझे बताना है प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है. हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर एट की, जिसमें आपसे पूछा है विच स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेच्योर स्कूल. कौन से आपके स्कूल आर्ट को आपका मेच्योर स्कूल आर्ट भी कहा जाता है. आपका क्वेश्चन है कुशान स्कूल को, मथुरा स्कूल को, आंध्रा स्कूल को या फिर आपका अराफत स्कूल को. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एट का वो होगा क्वेश्चन ए कुशाना स्कूल को. फ्रेंड्स आपका कुशाना स्कूल है, इसे आपका मेच्योर आर्ट ऑफ स्कूल भी कहा जाता है. और ये जो आपका कुशाना स्कूल ऑफ पेंटिंग है या आपका सॉरी आर्किटेक्चर है या आर्ट है, ये आपका इन्फ्लुएंस आपका गंधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से. ठीक है, ये आपका इन्फ्लुएंस करता है आपका गंधार और मथुरा स्कूल आर्ट को भी. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर नाइन, जिसमें आपसे पूछा है माउंट लोंगन इज द हाइस्ट पॉइंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री. माउंट लोंगन है जो कि कौन सी कंट्री का हाइस्ट पॉइंट है. आपका क्वेश्चन है USA का, कनाडा का, ब्राज़ील का या फिर मेक्सिको. तो क्वेश्चन नंबर नाइन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन
बी यानी कि कनाडा, ठीक है फ्रेंड्स, कनाडा इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, कनाडा जो इसका जो आपका राइट आंसर होगा। और बात करूँ माउंट लोगन की, तो ये आपका हाईएस्ट माउंट है कनाडा का और ये आपकी सेकंड हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका में आफ्टर डेनाली, ठीक है नॉर्थ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है डेनाली, उसके बाद ये आपका सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। और इसकी जो आपकी एलिवेशन है यानी कि आपकी हाइट है वो आपकी 5,959 आपका मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन आपका आज का सबसे पूछा है, विच पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ अरबियन सी, कौन से पोर्ट का आपका रानी कहा जाता है अरबियन सी की। आपका क्वेश्चन है विजाग पोर्ट, आपकी पारादीप पोर्ट, कोची पोर्ट या फिर आपका मुंबई पोर्ट। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा क्वेश्चन सी, जो का कोची पोर्ट है फ्रेंड्स उसे आपका क्वीन ऑफ अरबियन सी भी कहा जाता है। और बात करें कोचिन की, तो कोचिन जो आपका सिटी है फ्रेंड्स आपकी फेमस है मसालों के लिए, और जो आपकी 14th सेंचुरी की आपकी ट्रेडिंग के लिए आपको कोची का प्रयोग आपको 14th सेंचुरी से किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और बात करूँ आपके हाँ कोची की, तो कोची जो फ्रेंड्स आपकी फर्स्ट जो आपकी यहाँ पर यूरोपियन कॉलोनी जो सेटअप की थी पोर्चुगीज ने, वो की थी आपकी 1508 में। ऑप्शन ए की ओर देखिए विजाग पोर्ट, तो फ्रेंड्स विजाग पोर्ट जो आपका ये लोकेट आपका आंध्र प्रदेश में, पारादीप पोर्ट जो है वो है आपका उड़ीसा में, ऑप्शन डी मुंबई पोर्ट है वो आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये थे आपके आज के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। और फ्रेंड्स इस चैनल के अगर आप या इस वीडियो के अगर आप कोई भी PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल HP Study Hub को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल HP Study Hub को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो या फिर नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। और आज के मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, धन्यवाद।